तीन बरस का वक्त है फिलहाल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, लेकिन सूबे की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा अभी से ही चुनाव की तैयारी और अपने समीकरणों की इंजीनियरिंग में जुट गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से उसे अपनी जीत का नया फॉर्मूला मिल गया है, यानी पीडीए, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो पीडीए का ए अब अल्पसंख्यकों के साथ साथ अगड़ा हो गया है। इस बात को बल तब मिला जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खुद छोड़ी और माता प्रसाद पांडे को जिम्मा सौंप दिया। इंडिया टुडे मैगजीन से जुड़े आशीष मिश्र की इस रिपोर्ट के जरिए इस वीडियो में आपको सदन से सपा के सोशल इंजीनियरिंग के बारे में बताएंगे कि कैसे अखिलेश यादव की रणनीति अब सिर्फ MY फैक्टर पर निर्भर नहीं है, बल्कि ये PDA हो गया है, और कैसे पार्टी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए सोशल इंजीनियरिंग में लगी हुई है। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। 12 जून को अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से विधायक और यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। करहल में उपचुनाव होने वाला है, लेकिन इससे पहले सपा को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर एक नेता को बैठाना था। कयासें चल रही थी कि शिवपाल यादव को ये जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन जैसे ही विधान परिषद में MLC लाल बिहारी को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पार्टी ने सौंपी, विधानसभा में शिवपाल यादव को यही जिम्मेदारी मिलने की उम्मीदों पर पानी पड़ गया। हुआ भी ठीक वही, विधानसभा में अखिलेश यादव के बाद नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी पार्टी के पुराने नेता और दो बार विधानसभा अध्यक्ष रह चुके माता प्रसाद पांडे को सौंपी गई। लेकिन पार्टी के नेता बताते हैं कि ये फैसला सपा प्रमुख के लिए आसान नहीं था। वजह आशीष मिश्र से सुनिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव बहुत आसान नहीं था। इसके लिए 28 जुलाई को अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में सपा विधानमंडल दल की बैठक बुलाई। बैठक में इंद्रजीत सरोज, रामचंद्र राजभर जैसे नेताओं का नाम प्रतिपक्ष के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए रखा गया, लेकिन किसी भी नाम पर पार्टी नेता पूरी तरह से सहमत नहीं थे। लोकसभा चुनाव में सभा को सपावादी पार्टी को पासी और दलित बिरादरी का अच्छा खासा वोट मिला था। इस लिहाज से मंचनपुर से विधायक इंद्रजीत सरोज का नाम नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में सबसे आगे था, लेकिन बैठक में मौजूद नेताओं ने उनके बेटे पुष्पिन सरोज के कौशाम्बी से सांसद बनने का हवाला देकर कुछ आपत्ति भी जताई। ऐसे में कोई निर्णय ना हो पाने पर नेताओं ने विधानसभा में विपक्ष का नेता और मुख्य सचेतक समेत अन्य को मनोनीत करने के लिए अखिलेश यादव को ही अधिकृत कर दिया। सभा कार्यालय में बैठक खत्म हुई और उसके कुछ देर बाद ही अखिलेश यादव ने दो बार विधानसभा अध्यक्ष रह चुके 82 वर्षीय माता प्रसाद पांडे को उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का नेता मनोनीत कर दिया। पार्टी नेता प्रतिपक्ष की तैनाती को लेकर किसी भी प्रकार के विवाद से बचना चाहती थी। ऐसे में अखिलेश अगर चाचा शिवपाल को ये कुर्सी सौंपते तो बीजेपी के हाथ एक मुद्दा लग जाता। बीजेपी लोकसभा चुनाव में यादव परिवार के 5 सदस्यों को मैदान में उतारने के लिए वंशवाद की राजनीति को लेकर सपा पर निशाना साध रही थी, और शिवपाल के नामांकन से भगवा ब्रिगेड को नया हथियार मिल जाता। शुरुआत में पार्टी नेता प्रतिपक्ष के रूप में मुस्लिम उम्मीदवार पर भी विचार कर रही थी, लेकिन रणनीति के तौर पर इसे छोड़ दिया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना था कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में मुस्लिम उम्मीदवार से बीजेपी को फायदा होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश एक 22 करोड़ की आबादी का प्रदेश है और इसमें किसी दो जातियों को लेकर के, एक धर्म और एक जाति को लेकर के सत्ता में काबिज होना ये सरल बात नहीं है। ये बात अखिलेश यादव को 10 सालों के पराजय के बाद समझ में आई और इसके बाद उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला शुरू किया जो कभी मायावती ने किया था। उसी के तहत अखिलेश यादव ने सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले को तैयार किया, जिसका परिणाम आप देखते हैं कि MY फार्मूला यानी मुस्लिम और यादव के बजाय यह पार्टी सर्व समाज की है, सभी OBC जात की है, सभी अगड़ी जातियों की है। ये संदेश देना था, इसलिए उन्होंने माता प्रसाद पांडे जैसे अपने निष्ठावान कार्यकर्ता को, जो मुलायम सिंह जी के समय से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रहे, उनको उन्होंने सदन में नेता प्रतिपक्ष बनाया। लाल बिहारी यादव मृतक और बाबू सिंह कुशवाहा जैसे OBC नेता को उन्होंने तरजीह दी। पांडे से पहले ऊंचा हार रायबरेली से सपा के विधायक मनोज पांडे विधानसभा में ब्राह्मण राजनीति का चेहरा थे। अखिलेश ने उन्हें मुख्य सचेतक नियुक्त किया था, लेकिन मनोज ने फरवरी में राज्यसभा चुनाव के दौरान बगावत कर भाजपा उम्मीदवारों को वोट दिया था।
माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद पर नियुक्त करने के पीछे पार्टी का उद्देश्य बीजेपी में शामिल होने वाले सपा विधायकों मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और विनोद चतुर्वेदी की बगावत की वजह से उच्च जाति के कैडर और मतदाताओं के बीच पैदा हुई किसी भी गलतफहमी को दूर करना है। अब माता प्रसाद पांडे ही सपा का ब्राह्मण चेहरा है। उनकी नियुक्ति के साथ सपा प्रदेश की बीजेपी सरकार से ब्राह्मणों के असंतोष को भी हवा देना चाहती है। लोकसभा के चुनाव में जो पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक था, उसका विस्तार करने की योजना समाजवादी पार्टी बना रही है। वह पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की नहीं बल्कि अगड़ों की पार्टी भी बनना चाहती है, अति पिछड़ों की पार्टी भी बनना चाहती है और अति दलित में भी यह विश्वास उत्पन्न कराना चाहती है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अखिलेश गैर यादव ओबीसी जातियों में साइकिल की पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए सपा ने किरण पाल कश्यप को विधान परिषद में मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी सौंपी है तो राकेश कुमार को विधानसभा में उप सचेतक बनाया गया। सपा ने अगर पिछड़े और दलित नेताओं को जिम्मेदारी देकर अपनी पीडीए वाली रणनीति को धार दी है तो इसकी एक अलग कड़ी मुस्लिम बिरादरी भी है। अखिलेश ने मुरादाबाद की कांठ विधानसभा सीट से विधायक कमाल अख्तर को विधानसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक बनाया है। यही नहीं, अमरोहा सदर से सपा विधायक महबूब अली को अधिष्ठाता मंडल का सदस्य बनाया है। इस तरह पश्चिमी यूपी के मुस्लिम नेताओं को सदन में अहमियत देकर सपा आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बिरादरी के एक तरफा समर्थन की उम्मीद में है। बहरहाल अखिलेश यादव ने सोशल इंजीनियरिंग का जो दांव चला है, बीजेपी उसकी काट खोजने के लिए अपने पत्ते फेंटने लगी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यूपी में सपा की राजनीति और पीडीए की रणनीति के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।